किसी से मैं क्या कहती बेटा, मैंने तो खुद ही अपने आप को समझा लिया था कि प्रमोद जी ऐसे नहीं है। शायद वो उनके किसी दोस्त का होगा, शायद गलती से उनकी जेब में रह गया होगा। लेकिन आखिर कब तक आप अपने डर से दूर भागेंगे? सच तो एक दिन अपने आप ही आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक दिन प्रमोद जी अपना मोबाइल घर में ही भूल गए। उन्होंने सोचा होगा कि उनकी ये गंवार बीवी आखिर उनके फोन में से ऐसा क्या ढूंढ लेगी। उस दिन मैंने उनके व्हाट्सएप को अपने फोन में उतार लिया। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मैंने यूट्यूब से सीखा, थोड़ा सा वक्त लगा मुझे और अपने कुछ ऐसे दोस्तों की मदद भी लेनी पड़ी जिनसे शायद मैंने पहले कभी ठीक से बात तक नहीं की थी। मगर एक औरत अगर चाहे ना तो क्या नहीं कर सकती। तेरे नाना जी के गुजर जाने के बाद मैंने हमारी मिठाई की दुकान 5 साल तक अकेले संभाली थी और उन 5 सालों में जो मुनाफा हुआ ना वो आज तक नहीं हुआ है। लेकिन तेरी नानी जी को मेरी शादी की बहुत चिंता थी। उसके बाद तेरे मामा ने वो दुकान संभाली और मैंने ये घर। प्रमोद जी का व्हाट्सएप मेरे मोबाइल में आने के बाद वो किसी से भी कुछ बात करते मुझे सब पता रहता था। हे तेरी उम्र की लड़की, उन्हें ऐसे ऐसे फोटो भेज रही थी।